नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज क्लिक की टीम के साथ हम खड़े हैं मंडी हाउस पर। यहाँ अफगान जनता के पक्ष में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। यह प्रोटेस्ट अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है। यह सवाल उठा रहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं के ऊपर जिस तरह के अत्याचार का इतिहास रहा है तालिबान का, उसमें कोई भी महिला तालिबान के कैरेक्टर पर, तालिबान का जो पूरी की पूरा नेचर है, उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं। और साथ ही साथ आज का जो प्रोटेस्ट है वह भारत सरकार से यह मांग करने के लिए भी प्रोटेस्ट है कि अफगानी जनता के पक्ष में उसे खड़ा होना चाहिए। और जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को एक राजनीतिक धार बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले सिर्फ हिंदू और सिख को ही यहाँ जगह मिलेगी, उसके खिलाफ भी यहाँ पर आज मोर्चाबंदी है। आपको यह बता दें कि यह प्रोटेस्ट राष्ट्रीय स्तर पर कॉल दिया गया था, जहां पर पूरे देश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है अफगानी जनता के पक्ष में। आज हम लोग यहां पे जो अफगानिस्तान में जो हालात है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तरीके का हुआ, अमेरिका का दो डिकेड का साम्राज्यवाद के बाद जिस तरीके से, जिस तालिबान से लड़ने के नाम पर अमेरिका ने इंटरवीन किया, उसी तालिबान के हाथ में सत्ता सौंप के भाग गया है। भाषा जी, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी हमारे पड़ोसी देश में या विश्व में किसी भी देश के अंदर अगर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को, वैज्ञानिक सोच को अगर कुचलने वाली कोई मध्ययुगीन ताकत सत्ता में होती है, तो ये हर लोकतांत्रिक सोच वाले व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। ऐसे जितने घर है कि एज से पहले हम स्कूल चले गए, एज से पहले हमें पढ़ाई किया करना पड़ा। पूरी उम्र आपने, पूरी उम्र में हमने पढ़ा है, हमने काम किया है, आपने अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए काम किया है। अभी वो लाइक छीना जा रहा है हमसे। अफगानिस्तान लेडीज, देयर सम ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, व्हाई आस, व्हाई आस। कविता, ये बताएं कि अभी जो सबसे बड़ी मांग है वो क्या है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका सेना वापस गई है, क्योंकि 20 साल तक अमेरिकी सेना वहाँ थी, उस समय भी विरोध हुआ था जब अमेरिका ने हमला किया था, और उसके बाद जब अमेरिका सेना गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, मैं मानती हूँ, आप भी थी भाषा, आप अच्छे से जानती हैं कि 2001 में किस तरह से यहाँ बड़ी रैली निकली थी अमेरिकी कब्जे के खिलाफ, हम सारे लोगों ने किया था। आज वो कब्जा तो खत्म हुआ है, लेकिन अमेरिका एक तरह से अपने एजेंट के रूप में, माने सत्तांतरण करके तालिबान को छोड़ गई है। अग्रीमेंट हुआ है पिछले साल से, ऐसे अचानक नहीं आई है तालिबान। तो हम चाहते हैं अफगानिस्तान की जनता को इस तरह से भयभीत हो करके, इस तरह से प्लेन से लटक करके भागने की नौबत और ये सारे भयानक हालात ना हो, बल्कि उनको आज़ादी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करके अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिले। लेकिन चुनी हुई सरकार तो भाग गई, वो तो खड़ी नहीं हुई। सरकार तो अमेरिका की पिट्ठू थी, है ना? पिट्ठू सरकार को हम उस तरह से क्या माने कि चुनी हुई सरकार थी, और इसलिए भागी है वो क्योंकि भाई उसको वो भी क्या करती, क्योंकि ये तो तालिबान के साथ जब अमेरिका ने समझौता कर दिया, अमेरिका अपनी ताकत को इस पिट्ठू से चेंज करके उस पिट्ठू के पीछे लगा दी, तो वो करेगी क्या? वो तो भाग खड़ी हुई। हम मानते हैं कि नए तरीके से सरकार बनाने का, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट हो जिसमें सारे लोग इंक्लूडेड हो, महिलाएं भी, माइनॉरिटीज़ भी, और वो जो है उनको एक यूएन मॉनिटर्ड इलेक्शन हो जिसमें वो नया संविधान भी बनाने लायक एक सरकार, एक संसद को चुने। व्हाट्स योर नेम एंड आर यू स्टूडेंट इन दिल्ली? यस, माय नेम इज फरिश्ता यूसुफी एंड आई एम स्टूडेंट। यस, ओके। फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ अफगानिस्तान यू बिलोंग? फ्रॉम काबुल। फ्रॉम काबुल। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन इंडिया? आई हैव बीन इन इंडिया सिंस 2015। You are studying here? Yes, I just completed my 12th standard last year in 2020. How you plan to come to India to study? Your family supported you? No, actually I faced too many problem in Afghanistan. I studied too much hard and I get one scholarship in Jamia. Now I cannot say my feeling to you, how feeling I have. So troubled? Yes, too much, really too much. Yeah, for 2 weeks, it's going to 2 weeks, I didn't attend my classes because I have that much tension, and I was not able to attend my classes because I am thinking about my family. Sometimes they cannot call me, even for 2 weeks they didn't call me because they have electricity problems, internet problems in Afghanistan because of Taliban. हमारी मांग पहली तो ये है कि इस सरकार को कोई लेजिटिमेसी नहीं दी जाए,
कोई भी दुनिया का मुल्क इसको रिकॉग्नाइज ना करे, जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका में जब अपार्थाइड था, अपार्थाइड सरकार थी, उसको बायकॉट किया था, इसी तरह उसको बायकॉट होना चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं उनको यहाँ पे आने दिया जाए, बजाय ये देख के कि वो किस धर्म के हैं और किस जात के हैं, क्योंकि वो CA वाला शुरू कर दिया है। तीसरी बात ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड है कि ये इंश्योर किया जाए कि ये तालिबान का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन के दौरान नफ़रतें ना फैलाई जाए। UN से ये डिमांड है कि वहाँ पे सब तबकों को साथ लेके और UN सुपरविजन में वहाँ इलेक्शंस हों। इस तरह से कब्ज़ा किए हुए एक पूरा जो तालिबान ने किया है उसको खारिज करने की कोशिश की जाए, और जो भी नेगोशिएशन जिसके साथ भी हों उसमें वहाँ की महिलाओं के जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं, वीमेन ग्रुप्स हैं, उन सब वो सब शामिल हों। I am a student in Jamia, course civil engineering. Why you are here in this protest? What is your demand? Our demand is to save, please save Afghanistan, save Afghanistan, because especially human rights and human children. There is no, this Taliban is like animal, they are not changing. They are only one government, they are one force. Not they are not fighting for Islam, they are only fighting for government and taking embassy, everything. Only just we are talking about that we want peace in Afghanistan. आज का हमने सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आया है, एक तरह से न्याय मिलने के लिए, कहीं पे महिला हो किसी के ऊपर हिंसा ना होने, मगर हमने सबको पता है तालिबान में क्या हो रहा है। तालिबान डोंट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन, स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इज टू मच डेंजरस, दे विल नॉट एक्सेप्ट वुमेन एट ऑल। आई नो देम बिकॉज आई एम फ्रॉम उरुजगान इन अफगानिस्तान, इन उरुजगान मोस्टली in the rule of Taliban this 20 years, but now whole Afghanistan in the rule of Taliban, they will not allow girls to study, they will not allow girls and women to work. तालिबान बोल रहे हैं वो खुद बदल गया है, मगर देश में क्या हालात अभी है हम देख रही है इस वक्त, उधर कोई सिस्टम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल, कौन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसी प्रकार का एक कैओस, इतना बड़ा क्राइसिस से अफगान जनता गुजर रही है। तालिबान के लोगों ने जो जर्मन ब्रॉडकास्टर है उनके पत्रकार के रिश्तेदारों को मार दिया वहाँ पे, कई जगहों पे हज़ारास को, और जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो महिलाएं हैं उन पे अट्रॉसिटीज़ की खबर लगातार आ रही है। जो नेशनल टेलीविज़न उनकी है, जो मीडिया उनकी है, वहाँ पे महिला एंकर्स को निकाल दिया गया है, और तालिबान कह रहा है कि शरिया लॉ के हिसाब से महिलाओं की आज़ादी तय की जाएगी, बल्कि संवैधानिक नहीं बल्कि कानूनी नहीं, महिलाएँ नहीं तय कर सकती है। तो तालिबान क्या कहेगा और तालिबान क्या करेगा, उनके कामों से हम लोग उनका तुलना करेंगे। हम क्यों दूसरे रहे अपना भाई को सिचुएशन, क्यों हमें काम करने की इजाजत क्यों ना दिया जाए, हमें खेत में क्यों रहे, नहीं पहनना है हमें बुरखा, नहीं इस्लामिक हिजाब की हम रिस्पेक्ट करते हैं पर हमें बुरखा नहीं पहनना है, कहीं पे इस्लाम में नहीं कहा है कि वुमन को खेत में डालो, उनको बुरखा पहनाओ, उनको घर में रखो, और अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुना तो उनको मार दो, उनको पीटो, ये कहीं भी नहीं कहा है। ले आओ आप जिसको पढ़ना है कुरान की वर्स वर्स को पढ़ो, कहाँ पे बोला है ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में कहीं भी दमनकारी शक्तियाँ, ऑप्रेसिव रिजीम्स कायम हो, उसके खिलाफ प्लैनेट पर रहने वाले हर इंसान की ये ज़रूरत बन जाता है कि खिलाफ उसके खड़ा हो। ये ख़तरा कहीं और अगर हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में वो ख़तरा नहीं बढ़ेगा। भाषा जी, सबसे दुख की बात ये है कि आज अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने वाला भारत, वो भी आज अपनी अफगानिस्तान के ऊपर जो उनकी नीति है उसको क्लियर करने में वो आज नाकाम है। क्यों? क्योंकि आज भारत भी अमेरिका का एक पिछलग्गु देश बन चुका है, साम्राज्यवादी देश बन चुका है। जहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में जो ये मांग लेकर आगे बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो सड़क पे उतर करके वहाँ पर अफगानिस्तान की झंडा के साथ के झंडे, बल्कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कई झंडे रहे हैं अलग अलग समय, लेकिन सबका रंग लगभग एक जैसा रहा है और
रूप एक जैसा रहे, सिर्फ ये तालिबान का झंडा सफ़ेद रंग का है वो जानबूझ करके। तो कह रहे हैं ये सफ़ेद झंडा, जैसे हमारे यहाँ जो है वो लोग जो तिरंगा नहीं मानते और भगवा मानते हैं, उसी भगवा का विरोध करने जैसा है वहाँ पे सफ़ेद झंडा। वो कह रहे हैं सफ़ेद झंडा नहीं चलेगा। आवर पर्पस इज, आवर डिमांड इज, वी रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, from India government, please help our people, please support our people. The Taliban captured all the province, all the area where which the, our people are living, all the Kabul, all the Afghanistan. तो अफगान स्टूडेंट्स की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकार से बात करना चाहिए, सरकार को उन मांगों को सुनना चाहिए। और जो US इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई रही और आज तालिबान की जिस बर्बरता के खिलाफ जो लड़ाई है, दोनों को साथ में मिलकर करना चाहिए। और ख़ासकर इस देश के जनता से और इस देश के सरकार से एक अपील करना चाहते हैं कि जो बीजेपी RSS तालिबान का सिचुएशन और अफगानिस्तान के सिचुएशन को लेकर इस भारत के मुसलमानों के ऊपर जो हमले दावा कर दिया है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है, इसका मांग कर इस सब को ख़त्म करने का मांग करते हुए अफगान लोग जो लड़ रहे हैं अपने डिग्निटी के लिए, अपने डेमोक्रेसी के लिए, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। तालिबान इज क्लेमिंग दैट दे हैव चेंज्ड, डू यू बिलीव? नो, दे आर नॉट चेंज, नो, दे आर द सेम तालिबान दे यूज्ड टू इन 20 इयर्स अगो। मेरा मानना यह है कि तालिबान ये एक मानसिकता है और ये मानसिकता हमेशा अपनी जनता को धर्म के नाम के ऊपर या किसी नस्ल के नाम के ऊपर, जात के नाम के ऊपर दबा के रखने वाली, उनके ऊपर दबन करने वाली मानसिकता है। द सिचुएशन विच इज कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट एंड ऑल दैट, सो हाउ यू फील वेदर दैट कैन बी कंट्रोल्ड इन नियर फ्यूचर? पीपल आर पैनिकिंग, दे आर गोइंग, दे वांट टू कम आउट, या एवरीवन वांट टू गो, बट हाउ कैन ऑल पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान कैन गो आउट to other country? It's not possible. Afghanistan must be safe for their for my peoples. They can stay in Afghanistan because it's our country, not Taliban country. Why should we go and they can do as they want anything? Thank you. Thanks a lot. International community के तरफ से एक pressure होना चाहिए, जो भी हो जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि जनता को अपना फ्रीडम, अपना ह्यूमन राइट्स उधर सुनिश्चित करे और उसका आम जिंदगी आगे बढ़े, उसको देखने का है। सो व्हेन यू लेफ्ट अफगानिस्तान इट वाज ओके और यू हैड अ प्रॉब्लम एट दैट टाइम आल्सो? ऑलरेडी फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ वी हैव फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान, बट दिस टाइम द सिचुएशन इज वेरी चेंज। वी कैन इमेजिन वी शुड गो बैक इन अफगानिस्तान बिकॉज वी आर टर्निंग बैक इन 20 ईयर्स। They are like animal, there is no human right, there is no human child and everything is like 20 years back. What's your name and are you a student in Delhi? My name is Farhad and I am refugee in Delhi since 3 years. Okay. What is your demand? How you see Afghanistan now? In Afghanistan now, no one has hope. Everyone lost his life, his hope, everything in Afghanistan because Taliban is protect. Taliban is attack on Afghanistan and no allowed to women and girls to go to school. Everywhere is closed and no way to get out from Afghanistan for no one. आज ये प्रोग्राम हम दिल्ली में अभी कर रहे हैं, एक नेशनल कॉल की हिस्सा है। 22 राज्य में हमारे प्रोग्राम है, ऐसे तमाम संगठन पूरी देश के अंदर प्रोग्राम कर रही है सोलिडारिटी के लिए जनता को। उनको हम ये बोल रहे कि हम सारे चीज़ देख रही है आपके संघर्ष के साथ हमें। भारत सरकार को अभी ये कहना चाहिए फौरन हमारे देश की जनता की तरफ से कि हम तालिबान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, हम तालिबान की गवर्नमेंट के खिलाफ और वहाँ की जनता के सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके साथ खड़े होंगे। हम वहाँ की महिलाओं के साथ होंगे, हम वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ होंगे, हम वहाँ के बच्चों के साथ होंगे, हम वहाँ के टीचर्स के साथ होंगे, हम वहाँ की आम जनता के साथ होंगे जो लड़ रही है। और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ की जनता खामोश नहीं बैठी है। देखिए, अफगानिस्तान में एक जिस तरह से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए था और इलेक्शन करके एक ऐसी सरकार आनी चाहिए थी जो लोगों की चुनी हुई सरकार हो, बजाय उसके वो एक तालिबान के साथ मुहायदा करके और उनको बिठा के चले गए। ये सब मतलब बिल्कुल खुलेआम हुआ है ये कि अमेरिका और तालिबान का आपस में पैक्ट हुआ और अमेरिका ने
वहाँ से निकले और वहाँ दूसरी तालिबान ने आके कब्जा कर लिया बिल्कुल। अमेरिका की तो नीति यही रही है शुरू से ही, अगर आप देखें तो पूरे अफगानिस्तान पे उन्होंने कोई कब्जा कभी भी नहीं किया। तालिबान के पास ये असलहा आया कहाँ से, ये बंदूकें और गोले बारूद आए कहाँ, उनकी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं थी। सबको मालूम है कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म की नाजायज़ औलाद हैं तालिबान, और ये नाजायज़ औलाद को वो दोबारा छोड़ करके गए। एक बात बहुत साफ है कि भारत में अफगानिस्तान और तालिबान एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में बहुत तेजी से ध्रुवीकरण कर रहा है। भारत सरकार, उसके मंत्री जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। आज मंडी हाउस पे अफगानी महिलाओं और अफगानिस्तान में मानवाधिकार के पक्ष में जो प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से लोग जुटे, वहाँ से बहुत साफ आवाज़ यह आई कि जहाँ पर अफगानिस्तान में उन्हें तालिबान मंजूर नहीं है, यहाँ पर अफगानिस्तान से भारत में पढ़ने आई बच्चियों ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को तमाम अफगानी महिलाओं और अफगानी नागरिकों के हक में खड़ा होना चाहिए, यहाँ पर जब हकों की बात हो तो उन्हें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए।